नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको APJ अब्दुल कलाम की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, तो सुनिए इनके सफलता की कहानी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों DRDO और इसरो में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हुए थे और यही कारण है कि इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट आए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पहले उनका प्रारंभिक जीवन देखेंगे। अबुल पकीर जनोबल्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र में काम करना पड़ा और अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र बेचने का कार्य किया करते थे और अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य होते थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की एक भूख थी, एक इच्छा थी, इसीलिए वो लगातार कई घंटों तक पढ़ाई करते रहते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वार्ट मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनके कैरियर की बात कर लेते हैं। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन करके की। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में हो गया। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता का रिजल्ट यह रहा कि भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित कर दिया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम हिस्सा था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य शुरू किया, तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा भी की थी। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना
जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। इन्होंने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा था। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर चिदंबरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक भी थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रपति एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनज़र NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्राप्त कर लिया था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल के समाप्ति के बाद एक बार फिर उनका नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में था, परंतु आम सहमति नहीं होने के कारण फिर से उन्होंने यह विचार त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से सेवामुक्त होने के बाद का उनका समय, अगर उसकी बात करें तो उसके बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त हो गए और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसी संस्थाओं के प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए दो बार 2003 और 2004 MTV यूथ आइकॉन ऑफर ऑफ द ईयर अवार्ड से उन्हें मनोनीत किया गया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी।
इसमें इंडिया 2020 अ विजन फॉर द मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया आदि। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्ययन के दौरान उन्हें दिल का दौरा आया, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम पलोक सिधार गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना।